आईपीएल में खिलाड़ियों के ऑक्शन को चुनौती देते हुए इसे रोकने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में सुनवाई जज राजेंद्र मेनन 26 जुलाई को करेंगे। उन्होंने अपनी याचिका में खिलाड़ियों के ऑक्शन को संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। आईसीसी की तरफ से जारी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाज और बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं। वहीं आईसीसी की वनडे टीम रैंकिंग में टीम इंडिया 121 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर 125 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड पहले नंबर पर है। वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी ब्रायन लारा ने बीसीसीआई से अपील की है कि ग्लोबल टी20 लीग का मजा तब आएगा जब इसमें भारतीय खिलाड़ी शामिल हों। ऐसे में वो बोर्ड से अपील करना चाहते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को इसमें शामिल होने का रास्ता साफ करें। ग्लोबल टी20 लीग का दूसरा सीजन 25 जुलाई से शुरू हो रहा है जो 11 अगस्त तक खेला जाएगा। ब्रायन लारा ग्लोबल टी20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन पर भी वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वो टीम इंडिया की जर्सी पहनकर उन्हें चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस के बीच धवन का ये अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भारतीय गेंदबाजी को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण बताया है। ब्रेट ली ने कहा कि भारत के पास एक अच्छा तेज गेंदबाज यूनिट है। ये पहली बार है जब भारत के पास कुछ अच्छे स्पीड के तेज गेंदबाज हैं। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने धोनी और विराट की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी बताया है। उन्होंने कहा कि धोनी भाई के पास काफी अनुभव है, विराट भाई के पास भी अनुभव है। अगर एक वरिष्ठ खिलाड़ी है तो आप उनके साथ आ रही परेशानियों को बांट सकते हैं, वो आपको एक अच्छा ऑप्शन भी बता सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के बाद चीफ सेलेक्टर इजमाम उल हक और कोच मिकी ऑथर के कॉन्ट्रैक्ट को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है। पीसीबी पूर्व कप्तान आमिर सोहेल को इजमाम के स्थान पर नए चीफ सेलेक्टर बनाने पर विचार कर रहा है। इजमाम का कॉन्ट्रैक्ट जुलाई के महीने में खत्म हो जाएगा। स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर से ब्राजील फुटबॉल टीम की कप्तानी छीन ली गई है। उनकी जगह डानी एल्वेस को कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के लिए टीम की कमान सौंपी गई है। इस बात की जानकारी कंट्री फुटबॉल फेडरेशन ने दी। नेमार ने इस महीने के शुरुआत में फ्रेंच कप फाइनल में रेनेंस के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मन की हार के बाद फैन से बदसलूकी की थी। इसके बाद उन पर 3 मैच का बैन लगाया गया था। बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इस सीजन में कुल 51 गोल किए हैं। उन्होंने 6ठी बार एक सीजन में 50 या उससे ज्यादा गोल किए हैं। इस मामले में उन्होंने यूवेंट्स के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बराबरी की है। सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने के लिए मेसी को यूरोपियन गोल्डन शू दिया गया। इस मामले में दूसरे नंबर पर रोनाल्डो हैं। प्रो कबड्डी लीग का 7वां सीजन 20 जुलाई से शुरू होगा। पीकेएल के सभी मैच इस बार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले पीकेएल के सभी मुकाबले रात 8 बजे से शुरू होते थे, लेकिन इस बार 7वें सीजन में ये मुकाबले 7:30 बजे शुरू होंगे। इस मौके पर लीग के आयोजकों ने प्रायोजकों को धन्यवाद दिया।